हेलो सिविल इंजीनियर्स, दिस साइड संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर एंड कॉरपोरेट ट्रेनर। आई वेलकम यू अगेन इन आवर ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रिनफोर्स क्वांटिटी सर्वेयर एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ वेंचर कंपनी ऑफ रिनफोर्स कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। टुडे आई एम हेयर फॉर द डिस्कशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ प्लिंथ बीम फ्रॉम द लाइव प्रोजेक्ट ड्रॉइंग्स ऑफ जी प्लस टू स्टोरी प्रोजेक्ट। इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन यू how to study and analyze the drawing of G plus two story project for the estimation of bar bending schedule of plinth beam and how to calculate the quantity of steel for the plinth beam. Okay, so you can see here, this is the Excel sheet of plinth beam. So that we discuss later. First you see here, this is the drawing of G plus two story projects. तो आप ये देख रहे हैं कि ये plinth beam का लेआउट प्लान दिया हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट का बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उस प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग्स दी हुई हैं, उस प्रोजेक्ट की जो जनरल नोट्स दिए हुए हैं, रिइंफोर्स के रिगार्डिंग जो आपको स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, तो आप उस स्पेसिफिकेशंस को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप बीबीएस को स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हम इस रिइंफोर्समेंट के जनरल नोट को स्टडी करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में इसके जनरल नोट्स दिए हुए हैं रिइंफोर्स के रिगार्डिंग। ये देखेंगे आप रिइंफोर्समेंट के रिगार्डिंग इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए वो आपको दिए हुए हैं। द ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड फॉर द आरसीसी वर्क शैल बी Fe 500 TMT थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस स्पेसिफिकेशंस में आपको कि प्रोजेक्ट में आपको लैप लेंथ क्या लेना है, ओवरलैपिंग लेंथ क्या लेना है, डेवलपमेंट लेंथ क्या लेना है, आपका कवर क्या होगा। वैसे तो कवर आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या यूज करना है वो आपको ड्राइंग में दिया रहता है। आप रिइंफोर्समेंट को प्लेसिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना टॉलरेंस दिया हुआ है, आपका जो कवर है उसमें कितना टॉलरेंस दिया हुआ है, तो सारी डिटेल आपको इस ड्राइंग में दी रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या जनरल नोट स्टडी करने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपको बीम का कवर दिया हुआ है 30 mm दिया हुआ है, नॉर्मली आपको 25 mm होता है, और जो आपका कॉलम है उसको 40 mm कवर दिया हुआ है, फाउंडेशन के लिए 50 mm का कवर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉलरेंस ऑन प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट स्लैब और स्टेयर केस के लिए आपको ±10 mm का टॉलरेंस दिया हुआ है, बीम और कॉलम और फाउंडेशन के लिए ±15 mm का टॉलरेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द डेवलपमेंट लेंथ इन अ टेंशन शैल नॉट बी लेस देन 47 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे दी रहती हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल पे स्टार्ट करने से पहले आप इन सारी चीजों को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही आप बार बेंडिंग शेड्यूल को स्टडी करिए। अगर आपने अभी तक हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल की सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जिस वीडियो में हमने बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल रिइंफोर्स क्वांटिटी सर्वेयर पर जाके बार बेंडिंग शेड्यूल का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको जो बीबीएस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिइंफोर्स QST प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको इसी तरह से जो लाइव प्रोजेक्ट के ड्रॉइंग्स होते हैं उसका कंटेंट मिलता रहेगा, क्वान्टिटी सर्वेइंग, बिलिंग इंजीनियर, टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको इसी तरह से जेन्युइन और प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू कंटेंट मिलता रहेगा। तो इस तरह से कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है रिइंफोर्समेंट के रिगार्डिंग। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लिंथ बीम का किस तरह से स्टील का क्वांटिटी निकाला जाता है। ये आपका लेआउट प्लान दिया हुआ है प्लिंथ बीम का, ये लेआउट प्लान दिया हुआ है। इस लेआउट प्लान में आपको देख रहे हैं कि आपको ये ग्रेड ए दिया हुआ है, ग्रेड ए। ग्रेड ए पे जो आपका बीम है 1, 2, 3, वही सेम बीम आपका ग्रेड बी पे है, वही सेम बीम आपका ग्रेड सी पे है, डी पे है, ई पे है और एफ पे है। इस सेशन में हम लोग किसी एक बीम को उठाएंगे और उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे किस तरह से किया जाता है। तो आप देख रहे हैं जो आपका बीम दिया हुआ है ग्रेड ए पे 1 से लेके आपका 3 तक, अगर आप इस बीम का एनालिसिस कर लेते हैं तो आपकी जो बीम है ग्रेड बी पे, ग्रेड सी पे, डी पे और ई पे और एफ पे, तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी बीम यहाँ पे सेम दी हुई है, आप देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5
फाइव नंबर और ये सिक्स नंबर, आप एक बीम का एनालिसिस करिए ग्रिड ए 1 2 3 और 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो जो आपकी सारी जो वर्टिकल बीम्स हैं उनका एनालिसिस हो जाएगा। तो ये आपको इसका प्लान दिया हुआ है। जो आपका बीम होता है वो किस में एनकरेज होता है, कॉलम में एनकरेजमेंट होता है। जो बीम का जो रिइंफोर्समेंट होता है उसका जो एनकरेजमेंट होता है वो कॉलम में होता है। तो आप कॉलम का भी डायमेंशन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट हम लोग 3 कॉलम यूज कर रहे हैं, C1, C2 और C3। 400 बाई 400 के आपके सभी कॉलम्स आप देख सकते हैं, 400 बाई 400 के आपके C1, C2, C3 कॉलम्स दिए हुए हैं। कॉलम का डायमेंशन इसलिए जरूरी हो जाता है यहाँ पे क्योंकि जो बीम के जो रिइंफोर्समेंट है वो आपके कॉलम में एनकरेज करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बीम और जो कॉलम का जो जंक्शन होता है उसकी डिटेलिंग आपको दी हुई है। ये देखेंगे आप, ये टिपिकल एक्सटीरियर बीम कॉलम जंक्शन का आपको डिटेल दिया हुआ है, किस तरह से बीम का रिइंफोर्समेंट कॉलम में एनकरेज हो रहा है वो आपको डिटेल दिया हुआ है, किस तरह से बीम का रिइंफोर्समेंट आपका जो इंटीरियर बीम और कॉलम का जंक्शन है उसका डिटेल दिया हुआ है, जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी बीम है उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अभी हमें जो इसकी जरूरत है वो है आपका ये बीम और आपका एक्सटीरियर कॉलम। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि आपका ओवरलैपिंग लेंथ क्या होता है और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं आज आपको ये कंफ्यूजन आपकी मैं दूर कर देता हूँ। ओवरलैपिंग लेंथ क्या होता है, ओवरलैपिंग लेंथ हम लोग यूज करते हैं जब आपका द लेंथ ऑफ स्टील इज एक्सीड फ्रॉम द 12 मीटर, देन वी यूज ओवरलैपिंग टू ट्रांसफर द लोड स्टील टू स्टील। जो हमारा स्टील का जो बार आता है मार्केट में वो 12 मीटर का आता है, आप बोल सकते हैं 40 फीट का। जब हमारा लेंथ 40 फीट से एक्सीड कर जाता है तो फिर हमें ओवरलैपिंग करना पड़ता है। इस ओवरलैपिंग के थ्रू हम एक स्टील के थ्रू दूसरे स्टील पर लोड ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग लेंथ होता है वो आपका डिपेंड करता है कि हम लोग किस ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं और किस ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं। ओवरलैपिंग लेंथ आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर के थ्रू डिजाइन किया जाता है और आपको ड्राइंग में दिया रहता है। तो ये आपको क्लियर हुआ, ओवरलैपिंग लेंथ के थ्रू हम लोग स्टील के थ्रू स्टील में लोड ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट लेंथ जिसको हम लोग एलडी भी बोलते हैं, एलडी या फिर आप इसको एनकरेजमेंट लेंथ भी बोल सकते हैं। डेवलपमेंट लेंथ हम लोग यूज करते हैं एक आरसीसी मेंबर से दूसरे आरसीसी मेंबर में लोड ट्रांसफर करने के लिए। आपका स्लैब से बीम में लोड ट्रांसफर करना है, बीम से कॉलम में लोड ट्रांसफर करना है, कॉलम से फुटिंग में लोड ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या डेवलपमेंट लेंथ यूज करते हैं। आपका स्टील से कंक्रीट में लोड ट्रांसफर करने के लिए जो हम लेंथ यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, ये यहाँ से आपके आउटर ऑफ कॉलम से लेके ये पूरा आपको डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो ये हो गया आपको डेवलपमेंट लेंथ। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द एलडी एंड ओवरलैपिंग लेंथ। तो ये इसका लेआउट प्लान दिया हुआ है। तो हम लोग इस बीम का एनालिसिस करेंगे, जो आपका ग्रेड ए पे 1 से लेके 3 तक जो आपको बीम दिया हुआ है हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये इसका प्लान दिया हुआ है, जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपको सेक्शन दिया हुआ है, एल सेक्शन ऑफ प्लिंथ बीम अलोंग ग्रेड ए बी सी डी ई एफ। तो इस बीम का ये आपको सेक्शन दिया हुआ है, मैं जूम कर देता हूं तो आपको सही से दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप, ये आपको बीम दिया हुआ है, ये आपका ग्रेड ए है 1 से लेके 3 तक। इस बीम में आपको 2 स्पान दिए हुए हैं, जो आपका फर्स्ट स्पान है इसका सेंटर टू सेंटर लेंथ दिया हुआ है, इस कॉलम के सेंटर से लेके ग्रिड 2 का जो कॉलम है उसका सेंटर तक आपको 3,250 mm लेंथ दिया हुआ है, और जो आपका सेकेंड स्पान है उसका लेंथ दिया हुआ है 3,525 mm सेंटर टू सेंटर लेंथ आपको दिया हुआ है। इसमें आप 2 स्पान देख सकते हैं, एक स्पान ये है और एक स्पान आपका ये है। जब हम इस बीम का क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस बीम का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, और इस बीम में हम कौन कौन से रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं। इसमें हमने 2 क्रॉस सेक्शन कट किए हुए हैं, आप एक देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन 3-3 और एक आपका क्रॉस सेक्शन 4-4 जो आपको साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।
ये आपको क्रॉस सेक्शन 3-3 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो बीम का ब्रेथ है वो 300 mm है, जो बीम का डेप्थ है वो आपको 350 mm दिया हुआ है। जो बॉटम में हम लोग 4 reinforcement यूज कर रहे हैं 16 mm डाया के, बॉटम में 4 reinforcement 16 mm डाया के यूज कर रहे हैं, और टॉप में भी हम लोग 4 reinforcement यूज कर रहे हैं। लेकिन ये आपके 4 main bar नहीं है, इसमें क्या है कि आपके साइड के 2 जो reinforcement है वो 20 mm के हैं, और जो इनर के 2 reinforcement है वो आपके 16 mm के हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप टॉप में जो 4 reinforcement देख रहे हैं, इसमें क्या है, 2 आपके एक्स्ट्रा बार हैं, 2 आपके टॉप के मेन बार हैं। अब वो कैसे पता चलेगा ये आपके एक्स्ट्रा बार हैं कि मेन बार हैं? आप ये सेक्शन 4-4 देखेंगे, ये सेक्शन 3-3 और ये सेक्शन 4-4 देखेंगे। तो जब आप सेक्शन 4 देखेंगे इसमें आपको केवल 2 reinforcement ही दिखाई दे रहे हैं 20 mm के, 2 reinforcement आपके गायब हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 एक्स्ट्रा बार हैं। ये देखेंगे केवल आपको 2 reinforcement दिखाई दे रहे हैं 20 mm के, और इसमें आपका 4 reinforcement दिखाई दे रहा है आउटर 20 और इनर 60। तो जो आप इनर देख रहे हैं, जो इनर के 2 reinforcement हैं वो आपके क्या हैं, एक्स्ट्रा बार हैं, जिसका डायमीटर आपको 16 mm दिया हुआ है। आप इधर सेक्शन में भी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ये देखेंगे आप, ये तो ये आपको ये देखेंगे, ये बॉटम में आपको दिया हुआ है 4 number 16 mm डायमीटर, और आपको टॉप में ये देखेंगे आप ये दिया हुआ, ये आपका मेन बार है 2 number 20 mm, और ये जो आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा आपका ये जो बेंड हुआ है बार, हल्का सा स्लाइटली बेंड किया गया है, ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा बार है। एक्स्ट्रा बार यहाँ से जाएगा और ये आपको इस तरह से बीम में एनकरेज किया जाएगा, ये आपको एक्स्ट्रा बार दे रखा है, ये आप देखेंगे आपको 2 number 16 mm का आपको एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है। अब एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड करते हैं? एक्स्ट्रा बार हम लोग जो बीम के कॉर्नर्स होते हैं और जो बीम और कॉलम के जो जंक्शन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट के थ्रू आपका निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है। तो उस निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करने के लिए हम लोग सपोर्ट और जंक्शन पे हमेशा एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 16 डाया का 2 reinforcement एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका डिटेलिंग, अब इसका किस तरह से एस्टिमेशन करना है वो आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक एक्सेल प्रिपेयर किया हुआ है, तो बहुत ही आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। ये देखेंगे मैंने इस तरह से एक एक्सेल प्रिपेयर किया हुआ है, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ प्लिंथ बीम। ये बार बेंडिंग शेड्यूलिंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे हमने ये शेप ऑफ बार बनाया हुआ है, ये देखेंगे ये आपका डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिंग है, डाया ऑफ बार है, नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ बार है, बैंड लॉस है, आपका कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ आपका मीटर में है, आपका टोटल कटिंग लेंथ है, और एट दी एंड हम लोग टोटल वेट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉप मेन बार को डिस्कस करेंगे कि आपका टॉप मेन बार किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आप ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, टॉप मेन बार लेइंग ग्रिड 1-3 अलोंग ग्रिड ABCDEF, जो आपका टॉप मेन बार है उसका किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो आप देखिएगा। तो आसान भाषा में समझने के लिए मैंने आपको एक नीचे इस तरह से एक डायग्राम प्रिपेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस समझ में आएंगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, जो आपका पहला स्पान है वो आपको 3250 mm का दिया हुआ है, दूसरा स्पान है आपको 3525 mm का आपको दिया हुआ है। जो आप ये जो रेड देख रहे हैं, ये जो आपका टॉप में जो आपका स्काई ब्लू कलर का जो बार है वो आपका टॉप मेन बार है, जो आपका बॉटम में वायलेट कलर का जो बार है वो आपका बॉटम मेन बार है, और जो आप ये देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर का जो आप रिइंफोर्समेंट देख रहे हैं वो आपका एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट है, वो केवल आपका कॉर्नर और जंक्शन में ही दिया गया। ये देखेंगे आपका यहाँ से एक्स्ट्रा बार स्टार्ट होता है 975 mm का, और इस तरह से बीम में एनकरेज कर जाएगा। तो ये आपका कॉर्नर पर दिया हुआ है, और ये आपका सेंटर में एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इस तरह से कंटिन्यू जाएगा, और ये इसी तरह से आपका ये कॉर्नर में एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है। जो आप ये देख रहे हैं ये रेड रेड मैंने ये बनाया हुआ, ये क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है LD 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। जो आप ये लाइट कलर लाइट स्काई ब्लू कलर का जो रिइंफोर्समेंट देख रहे हैं वो आपका क्या है, क्लियर स्पान है, और ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है, डेवलपमेंट लेंथ आपको दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। जो आपका ये पूरा रेड यहाँ से स्टार्ट होकर और ये पूरा यहाँ तक आपको क्या डेवलपमेंट लेंथ आपको डायरेक्टली ड्राइंग में दिया हुआ है, तो आप अलग से कैलकुलेट करने की
जरूरत नहीं है। जब आपको ड्राइंग में डेवलपमेंट लेंथ दिया होता है तो आपको सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है टॉप मेन बार का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ये आपको दिया हुआ है 3250 और +3525। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो लेंथ है इस कॉलम के सेंटर से लेके इस कॉलम के सेंटर तक का लेंथ निकल आएगा। 3250 +3525 ऐड करेंगे तो आपका इस कॉलम के सेंटर से लेके आपका इस कॉलम के सेंटर तक का लेंथ निकल आएगा। इसके बाद आपका ये कॉलम दिया हुआ है 400 mm का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका फुल कॉलम 400 का है तो हाफ कॉलम कितने का हो जाएगा, 200 mm का। तो हम इसमें 200 mm दिस वन साइड ऐड कर देंगे और 200 mm हम दिस वन साइड ऐड कर देंगे। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, 3250 +3525 +200 mm दिस वन साइड एंड 200 mm दिस वन साइड। तो हमारा ये लेंथ है आउटर से लेके आउटर तक का लेंथ निकल आएगा। उसके बाद हम यहाँ से एक कवर माइनस कर देंगे, ये यहाँ से एक कवर माइनस होगा और एक कवर हम लोग ये राइट साइड से माइनस करेंगे। तो आपका जो टॉप बार है, टॉप का जो मेन बार है उसका हॉरिजेंटल पोर्शन या फिर आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेट पोर्शन निकल आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक्सेल में किया हुआ है, ये इसका स्ट्रेट पोर्शन है। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, जो मैंने निकाला हुआ है 7095, तो मैंने इसको ऐड किया हुआ है मैंने आपको ये ऐड किया हुआ है 3250 +3525 और +200 -40 और +200 -40। तो आप ये देखेंगे नीचे, तो ये 3250 ऐड किया है, 3525 ऐड किया है और ये +400 माइनस कवर, और इस साइड में आपका हाफ ऑफ कॉलम माइनस कवर। तो आपका ये जो स्ट्रेट लेंथ है वो आपका निकल आएगा इस तरह से, 7095, 3250 +3525 प्लस आपका हाफ ऑफ कॉलम 3250 और +3525। इससे आपका क्या है, एक कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक का लेंथ निकल आएगा। उसके बाद आप हाफ ऑफ कॉलम ऐड करेंगे 200, उसमें से कवर माइनस करेंगे और हाफ ऑफ कॉलम ऐड करेंगे कवर माइनस करेंगे, तो आपका ये स्ट्रेट पोर्शन का ये लेंथ निकल आएगा। इस पर हमें क्या करना है, इसका वर्टिकल पोर्शन का लेंथ निकालना है, ये वाला 640। अब ये 640 किस तरह से लेंथ आएगा वो आप देख लीजिए एक बार, जो आप ये देख सकते हैं ये डेवलपमेंट लेंथ आपको दिया हुआ है। हम इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक का लेंथ, इस कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक का लेंथ निकाल चुके हैं। अभी हमें जो लेंथ निकालना है वो वर्टिकल पोर्शन निकालना है, ये वाला जो आप ये देख रहे हैं ये वाला हमें लेंथ निकालना है। ये जो आपको पूरा डेवलपमेंट लेंथ दे रखा है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर दे रखा है। डायमीटर आपको कितने का है, 20 mm का आपका डायमीटर है, 20 × 50, ये आपका 1000 mm हो जाएगा। इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ है आपका 1000 mm दिया हुआ है, लेकिन हमें जो निकालना है वो केवल ये वर्टिकल पोर्शन निकालना है। तो इस वर्टिकल पोर्शन को निकालने के लिए अगर हमें ये हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन माइनस कर दें, जो आप ये देख रहे हैं ये वाला अगर पोर्शन माइनस कर दें तो हमारा वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। तो 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर और ये आपका कॉलम दिया हुआ है 400 का और माइनस ये कवर, 400 -40। अगर हम 1000 -400 और ये -40, तो ये आपका वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा, क्योंकि जो जो पूरा डेवलपमेंट लेंथ है वो आपका 1000 mm का दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। हमें ये वर्टिकल वाला पार्ट निकालना है, तो वर्टिकल वाला पार्ट निकालने के लिए आप ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट माइनस कर देंगे 1000 mm में से, तो ये आपका ये निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर एनालिसिस किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से ये आपको ये डेवलपमेंट लेंथ दे रखा है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। इसमें से हम लोगों ने आपका जो कॉलम का ब्रेथ है वो माइनस किया है कवर के साथ 400 mm -40 mm, तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। तो ये आपका 640 आ जाएगा, सेम ये भी आपका 640 होगा इस तरह से। तो ये जो टॉप में हम लोग बार यूज कर रहे हैं वो आपको 20 mm का दिया हुआ है। इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर दिए हुए हैं वो आपको 6 दिए हुए हैं। जो नंबर ऑफ बार है वो टॉप में हम 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेंबर ये आपके 6 कहाँ से आए, आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये जब आप इसका लेआउट प्लान देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 6 कहाँ से आया हुआ है।
ये सिक्स कहाँ से हुआ? ये आपका वन नंबर है, ये टू नंबर है, ये आपका थ्री नंबर है, फोर नंबर है, ये फाइव नंबर है, सिक्स नंबर है, ये सभी का सेम लेंथ है, सेम रीइन्फोर्समेंट होगा इसका, सेम बीबीएस होगा। तो आप एक बार एक का एनालिसिस करेंगे, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सभी का निकल आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये सिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ बार आपके, हम लोग टॉप में टू रीइन्फोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं, आप प्लान में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैंने आपके समझने के लिए इस तरह से कुछ प्लान बनाया हुआ है, ये देखेंगे आप, ये प्लान बना हुआ है इस तरह से। ये मैंने जो बीम का जो टॉप रीइन्फोर्समेंट है उसका प्लान बनाया हुआ है, तो आप ये देखेंगे जो आपको स्काई ब्लू कलर का जो रीइन्फोर्समेंट दिख रहा है वो यहाँ पे हम लोग दो नंबर यूज़ कर रहे हैं, एक आपका ये है और एक ये आपका है 20 mm का है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो आपके क्या है, एक्स्ट्रा बार है, ये आपका एक्स्ट्रा बार है कॉर्नर पे दो नंबर, और ये आपका एक्स्ट्रा बार जंक्शन पे है दो नंबर, और ये आपका एक्स्ट्रा बार है जंक्शन पे दो नंबर। ये आपका प्लान है बीम का टॉप रीइन्फोर्समेंट का, तो हम लोग दो नंबर आपके मेन बार यूज कर रहे हैं। ये आपका नंबर ऑफ बार हो गया दो नंबर। इसके बाद आपका आता है बैंड लॉस, यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री का बैंड हो रहा है, ये 90 डिग्री का बैंड है, 90 डिग्री का बैंड है। तो 90 डिग्री के बैंड के लिए हम लोग 2D यूज करते हैं, 2D वन साइड और सेकेंड साइड 2D, तो आपका ये 4D का लॉस हो जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो आपका 4 × डायमीटर आपका 20 दिया हुआ है, तो ये 80 mm का लॉस आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसका कटिंग लेंथ निकालना है, तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे आपका। ये देखेंगे कटिंग लेंथ निकालने के लिए 640 प्लस 7095 प्लस 640 माइनस बैंड लॉस, तो आपका कटिंग लेंथ निकल आएगा mm में। आप देख सकते हैं 640 प्लस 7095 प्लस 640 और माइनस बैंड लॉस करेंगे तो ये आपका कटिंग लेंथ निकल आएगा। ये मैंने आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये कटिंग लेंथ एमएम में आया है। कटिंग लेंथ मीटर में निकालने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कटिंग लेंथ मीटर में निकल आएगा। तो जो आप ये देख रहे हैं 8.295 मीटर, ये आपका एक रीइन्फोर्समेंट का कटिंग लेंथ निकल के आया है। हमें चाहिए टोटल कटिंग लेंथ, यहाँ पे हम लोग दो नंबर बार यूज कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, सिक्स। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8.295 इंटू टू और इंटू सिक्स, तो आपका ये पूरा टोटल कटिंग लेंथ निकल के आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है एक नंबर, एक रीइन्फोर्समेंट का कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर, तो आपका टोटल कटिंग लेंथ ये निकल आएगा। तो ये हुआ हमारा टॉप मेन बार, आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बॉटम मेन बार, इसी सेम तरीके से हम लोग बॉटम मेन बार निकाल सकते हैं। बॉटम मेन बार में क्या, आपको चार रीइन्फोर्समेंट दिए हुए हैं, बॉटम में आपको चार रीइन्फोर्समेंट दिए हुए हैं 60 mm डाया के, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये आपका बॉटम है वायलेट कलर का जो आपको दिया हुआ है, फोर नंबर बार है 60 mm के, तो ये आपका जो क्लियर स्पॉन दिया हुआ है ये 3250 प्लस 3525 और प्लस 400 दिस वन साइड माइनस कवर और माइनस डाया। ये आपको यहाँ पे एक डाया और माइनस करना पड़ेगा, आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा 3250 प्लस 3525 और प्लस 200 दिस वन साइड और प्लस 200 दिस वन साइड। तो आपको यहाँ पे एक कवर माइनस करना है कॉलम का 40 mm, और ये आपको यहाँ पे डाया माइनस करना है, सेम इस साइड सेम आपको उस साइड भी होगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मैंने ये आपको दोनों का जो स्पान है सेंटर टू सेंटर वो ऐड किया हुआ है। इसके बाद जो हाफ ऑफ कॉलम है उसको ऐड किया है, और जो हाफ ऑफ कॉलम है 200 उसमें से कवर माइनस किया है और आपका एक डाया माइनस किया है 200 माइनस 40 और माइनस 20, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। ये आपका 200 यहाँ तक तो आपको लेंथ दिया हुआ था इस कॉलम के सेंटर से लेके उस कॉलम के सेंटर तक, तो इसमें से मैंने 200 ऐड किया हुआ है, तो हम लोग आउटसाइड में चले जाएंगे। उसके बाद ये आपका कवर माइनस होगा 40 mm का, उसके बाद ये आपका टॉप डाया है 20 mm का माइनस होगा, तो आप ये पूरा हॉरिजॉन्टल लेंथ निकल आएगा इस कॉर्नर से लेके आपका उस कॉर्नर तक। वही मैंने आपका ऊपर किया हुआ है फॉर्मूले, आप देख सकते हैं ये 7055 3250 प्लस 3525 और प्लस 200 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 200 माइनस 40 माइनस 24 राइट साइड। इस तरह से इसका स्ट्रेट पोर्शन निकल आएगा। वर्टिकल पोर्शन निकालने के लिए आपका 460 mm, और ये 460 mm किस तरह से आएगा, आपका ये डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है 50 times ऑफ डायमीटर, आप ये देखेंगे ये वाला लेंथ निकालना है हमें, ये वाला जो वर्टिकल पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला हमें लेंथ निकालना है इस वर्टिकल पोर्शन को,
तो आपका जो पूरा डेवलपमेंट लेंथ है आपका यहाँ से लेके ये पूरा जो डेवलपमेंट लेंथ है ये आपको दिया रखा है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो 50 आपका जो डायमीटर है वो 60 एमएम का दिया हुआ है, तो ये पूरा जो डेवलपमेंट लेंथ है आपका 800 एमएम का हो जाएगा। इस पूरे 800 एमएम के लेंथ में से अगर हम ये वाला लेंथ माइनस कर दें, ये जो आप देख रहे हैं इस वाले को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। तो 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस 400 माइनस कवर और माइनस ये आपका 20 एमएम डाया, इतना करेंगे तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। टोटल आपको 800 एमएम दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 50 इंटू 16 दैट इज 800 एमएम। टोटल आपको 800 एमएम दिया हुआ है, उस 800 एमएम में से हम ये माइनस कर देंगे जो अभी आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, तो ये आपको 400 एमएम माइनस 40 माइनस 20 करेंगे तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने माइनस किया हुआ है, ये फॉर्मूला देखेंगे आप 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस 400 माइनस 40 और ये माइनस 20, तो आपको ये एक साइड का वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। सेम दूसरे साइड का आपका वर्टिकल पोर्शन होगा 460 एमएम। तो ये आपका बॉटम मेन बार है 60 एमएम का है, 6 आपके नंबर ऑफ मेंबर सेम है, नंबर ऑफ बार आपके 4 यूज हो रहे हैं बॉटम में, बॉटम हम लोग 4 नंबर यूज कर रहे हैं। बैंड लॉस आपका 64 हो जाएगा, 2D का लॉस दिस साइड और 2D का लॉस दिस साइड, तो आपका ये 4D का लॉस हो जाएगा 4 इंटू डायमीटर, डायमीटर हम लोग 16 यूज कर रहे हैं तो 16 4 64। कटिंग लेंथ निकालना है तो हम लोग ऐड कर देंगे वर्टिकल पोर्शन 460 प्लस हॉरिजॉन्टल पोर्शन 7055 प्लस वर्टिकल पोर्शन 460, तो माइनस बैंड लॉस, तो आपका ये 7911 कटिंग लेंथ निकल आएगा। इसमें हम लोग ये आपका एमएम में आया हुआ है, आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये मीटर में आ जाएगा। जो आप ये देख रहे हैं 7.911 ये आपका 1 बार का कटिंग लेंथ है, हम लोग 4 नंबर यूज कर रहे हैं तो 7.911 इंटू 4 और इंटू 6, तो आपका ये पूरा बॉटम मेन बार का लेंथ निकल आएगा। आप ये देखेंगे इस तरह से कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार इंटू 4 नंबर ऑफ बार इंटू 6 दैट इज द नंबर इन अ लेआउट प्लान, क्लियर। तो ये आपका टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार का रिइंफोर्स का कैलकुलेशन हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा बार, ये जो आपको एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है ये कॉर्नर पे एक्स्ट्रा बार, आपका ये जो कॉर्नर पे एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है आप ये देखेंगे 975 mm का जो आपका एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये आपका इस तरह से कॉलम में एनकरेज कर जाएगा। इसका भी डेवलपमेंट लेंथ है LD, वो भी सेम होगा 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 975 mm प्लस 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस बेंड लॉस। आपको इसमें एक्स्ट्रा बार सही से नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जब आप इसका प्लान देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इस तरह से आपका एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, इसके बाद ये ऐसे आपका कॉलम में आके एनकरेज कर जाएगा इस तरह से। ये आपका एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है मिडिल जंक्शन पे और ये आपका जो एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है आपका राइट साइड कॉर्नर पे। तो इसका लेंथ क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसका लेंथ निकालना है। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 975 आपको दिया हुआ है, 975 प्लस आपका 400 और माइनस ये कवर, तो आपका ये स्ट्रेट पोर्शन का लेंथ निकाल आएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 975 प्लस ये 400 mm का कॉलम और माइनस ये कवर, तो आपका ये पूरा लेंथ निकाल आएगा स्ट्रेट पोर्शन का। तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये 975 प्लस 400 और माइनस कवर माइनस करेंगे तो जो आपका एक्स्ट्रा बार का जो स्ट्रेट पोर्शन है वो निकल आएगा। उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा बार का आपका वर्टिकल पोर्शन है वो निकालना है, तो आपका डेवलपमेंट लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर में से हम लोग अगर कॉलम और कवर को माइनस करेंगे, ये वाला लेंथ हमें निकालना है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो पूरा LD दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, तो 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर में से हम ये वाला लेंथ माइनस करेंगे ये वाला, तो 400 माइनस 40, सो वी गेट दिस वर्टिकल पोर्शन। यू कैन सी हियर वी अप्लाइंग सेम फॉर्मूला हियर, वी अप्लाइंग सेम फॉर्मूला हियर, दिस इज द सेम फॉर्मूला फॉर दिस वन, 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस 400 माइनस 40 कवर, सो वी गेट द वर्टिकल पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा बार। ओके, सो देन वी एड 440 प्लस 1335, सो वी गेट द कटिंग लेंथ ऑफ दिस एक्स्ट्रा बार।
एस्ट्रो बार का जो आपका डाया है 16 mm है, उसमें जो नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर हैं वो 6 हैं। हम लोग एस्ट्रा बार केवल 2 नंबर यूज कर रहे हैं, क्लियर। जो बैंड लॉस होगा 32 का होगा, क्योंकि आपका केवल 2D का लॉस होगा। आप देख रहे हैं केवल एक ही 90 डिग्री का बैंड है, तो जो बैंड लॉस होगा आपका 2D का होगा, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो डाया इज 16, तो दैट इज द 32। देन वी फाइंड आउट द कटिंग लेंथ, वी एड 440 प्लस 1335 माइनस बैंड लॉस, सो वी गेट द 1743 mm। वी डिवाइडेड बाई द 1000, सो वी गेट द कटिंग लेंथ इन मीटर, 1.975। दिस इज द कटिंग लेंथ ऑफ ओनली वन रिइंफोर्समेंट। देन वी मल्टीप्लाई बाई द 2 एंड मल्टीप्लाई बाई द 6, सो वी गेट द टोटल कटिंग लेंथ ऑफ एस्ट्रा बार फॉर ऑल द ग्रेड्स। ओके, नेक्स्ट एस्ट्रा बार एट 2 जंक्शन, आप ये देखेंगे। इसके बाद हमने अभी एक्स्ट्रा बार ये कॉर्नर का एनालिसिस किया था, जो आपको कॉर्नर पे दिया हुआ है। इसके बाद ये आपको एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है जंक्शन पे, ये जंक्शन पे एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है। इसमें कोई बेंडिंग नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है। तो मैंने इसको थोड़ा स्लाइटली बेंड कर दिया है कि आपको समझ में आए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बार है। बाकी आप साइड पर देखेंगे तो आपका टोटली प्लेन बार होता है। इसका कटिंग लेंथ निकालना बहुत आसान होता है, ये डायरेक्टली दिया हुआ है। आप देखेंगे 975 mm प्लस ये आपका कॉलम 400 mm और प्लस आपका ये 1060 mm। आप इसको ऐड करेंगे 1060 प्लस 400 प्लस 975, तो आपको ये एक्स्ट्रा बार मिल जाएगा एट द जंक्शन। ये देखेंगे आप, बिल्कुल आपका प्लेन बार होता है। हमने इसी तरह से ऐड किया हुआ है 975, ये देखेंगे आप, ये 975 प्लस 400 प्लस 1060, तो आपका जो एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है जंक्शन पे, टू जंक्शन पे, तो उसका कटिंग लेंथ निकल आएगा। इसका भी डाया आपका 16 है, 6 मेंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, 2 नंबर्स बार हैं, और इसमें कोई बैंड लॉस नहीं होगा क्योंकि ये आपका पूरा स्ट्रेट बार दिया हुआ है। तो इसका कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आपका ये कटिंग लेंथ निकल आएगा, और आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका कटिंग लेंथ मीटर में निकल आएगा। ये आपका एक बार का कटिंग लेंथ आया, हम लोग 2 बार यूज कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर आपके 6 हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल कटिंग लेंथ आपका निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, इसका ये टोटल कटिंग लेंथ निकला है। कटिंग लेंथ ऑफ वन बार दैट इज 2.435 मीटर, देन मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज नंबर ऑफ बार, देन मल्टीप्लाई बाई द 6 दैट इज नंबर ऑफ मेंबर, सो वी गेट द टोटल कटिंग लेंथ 29.22 मीटर। After this, we calculate the extra bar at the right corner. This one, extra bar at grid 3. So you can see here, this is extra bar. ये आपको extra bar दिया हुआ है इस तरह से। इसका जो आपका length है वो आपको दिया हुआ है 1060 mm। ये आपको दिया हुआ है column के outer से, जो आपको ये length दिया हुआ है 1060 mm दिया हुआ है। उसके बाद आप इसमें development length LD ऐड करेंगे तो आप इस एक्स्ट्रा बार का लेंथ आपका निकल आएगा। आप देखेंगे इस तरह से प्लान में, तो आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका प्लान में दिया हुआ है। इसके बाद आपका डेवलपमेंट लेंथ एनकरेज करेगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए वही आपका सेम फॉर्मूला है, आप ये 1060 ऐड करिए, 1060 प्लस आपका 400 mm, देन वी माइनस कवर फ्रॉम द राइट साइड, 1060 प्लस ये आपका 400 mm, देन वी माइनस दिस कवर, सो वी गेट द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा बार। ओके, सो यू कैन सी इन सेम फॉर्मूला दिस वन, एक्स्ट्रा बार एट 3 जंक्शन, ये देखेंगे आप। तो हमने 1060 प्लस 400 माइनस 40, सो वी गेट द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा बार एट राइट कॉर्नर। आफ्टर दिस वी कैलकुलेट द वर्टिकल पोर्शन ऑफ दिस extra bar. How to calculate vertical portion? That is given 440. We have a same formula, development length minus the given length. Development length आपको 50 times of diameter दिया हुआ है, आप देखेंगे ये आपको development length दिया हुआ है इस corner से लेके आपको यहाँ तक 50 times of diameter। जो हमें अभी calculate करना है वो ये वाला vertical part देख रहे हैं, जो आप ये दो dot आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला vertical part हमें कैलकुलेट करना है। टोटल आपको दिया हुआ है आपका यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आपको दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। हमें ये वाला वर्टिकल पार्ट कैलकुलेट करना है, तो अगर हम 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर में से अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दें, 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस 400 mm और माइनस ये कवर 40 mm, सो वी गेट दिस वर्टिकल
part. You can see here in a Excel sheet, that is 440. How to get this 440? That have 15 times of diameter minus 400 minus 40. So we get this vertical portion. Okay, so this is the vertical portion, this is the straight portion. We add this one and this one, so we get the cutting length of this extra bar. Okay, we add 1420 plus 440, so we get 1828. This is the cutting length of extra bar in a millimeter. We divide 1000, so we get the cutting length in a meter, 1.828 meter. This is the cutting length of one bar. We are using two bars, so we multiply by two, and we have a six number of members. We multiply by the six, so we get the total cutting length, 21.936. So by this way, we calculate the cutting length of all the reinforcement for the one plinth beam. Okay, so this is the cutting length you can see here of 16 mm diameter, or this is the cutting length for the 20 mm diameter. After this, we add all the length. This 189 plus 23.7 plus 29.22 plus 21.936, that is the 264.72 meter cutting length for the 16 mm dia. That is 99.54 meter for the 20 mm dia. Okay, we are using length of steel of 16 mm dia, 264 meter, or we are using 20 mm dia, 99 meter. So this is the total length. After this, we are using standard formula D square by 162 into total length, so we get the weight. To find out the unit weight, we have a formula D square by 162. We get the weight in a kg per meter, but here we calculate the weight in a kg. So that is the formula: weight of steel D square into total length divided by steel, sorry, divided by 162. So we get the weight in a kg. So we can see we are applying the formula here. D square, that is the diameter 16 into 16, then we multiply by the total length, that is 264.72, then we divided by 162, so we get the total weight 664, oh sorry, we get the total weight 418 kg. 418 kg reinforcement for the 16 mm diameter. Then we'll calculate the weight for the 20 mm dia. This is the total length of 20 mm dia, that is 99.54 meter. We are using standard formula D square 20 into 20 into total length 19.54 divided by 162. So we get the total weight 245 kg steel for the 20 mm dia. Then we add both 60 mm dia weight and 20 mm dia weight, we get the total weight 664 kg, or you can say 6.6 quintal, or 0.6 ton of steel. So this is the basic procedure for the estimation of reinforcement for the plinth beam. आप इस तरह से कैलकुलेट, इसका एक दूसरा प्रोसेस भी अगर आप चाहें तो इसका एक बहुत इजी प्रोसेस है, आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये देख रहे हैं, एक मैंने बेसिक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक फार्मूला फॉर द कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार ऑफ बीम. तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल डायरेक्टली लिखना है लेंथ ऑफ क्लियर स्पान प्लस डेवलपमेंट लेंथ फॉर द लेफ्ट साइड एंड डेवलपमेंट लेंथ फॉर द राइट साइड और माइनस द बेंड लॉस. इससे आपका जो पूरा कटिंग लेंथ है एक बार का, वो एक बार में ही निकल आएगा. आपको हॉरिजॉन्टल पार्ट कैलकुलेट नहीं करना है, वर्टिकल पार्ट कैलकुलेट नहीं करना है, जो कि एक स्टील का जो रिइंफोर्समेंट है उसका जो कटिंग लेंथ है वो एक बार में ही डायरेक्ट निकल आएगा. आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, ये इसका क्लियर स्पान है 3250 और ये 35250. तो हमने यहाँ पे क्या, ये क्लियर स्पान निकाला हुआ है 3250 प्लस 3525 माइनस 200 माइनस 200, तो वी गेट द क्लियर स्पान 6375 मिलीमीटर. क्लियर स्पान मीन्स इनर ऑफ कॉलम टू इनर ऑफ कॉलम, दैट इज द क्लियर स्पान 6375 मिलीमीटर. सो दिस इज द क्लियर स्पान, वी राइट डाउन हियर लेंथ ऑफ क्लियर स्पान, देन वी एड डेवलपमेंट लेंथ. दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ, वी डायरेक्टली एड हियर. ओके, देन वी एड डेवलपमेंट लेंथ फ्रॉम राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, देन वी माइनस बैंड लॉस 2d राइट साइड एंड 2d लेफ्ट साइड, सो वी गेट द लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट डायरेक्टली बाय दिस फार्मूला. ओके, सो योर चॉइस, यू कैलकुलेट आइदर बाय दिस फार्मूला और अदर बाय अनदर फार्मूला, योर चॉइस.
Okay, so this is the basic procedure for the estimation of length beam. Okay, if you have any doubt regarding this session, you can ask me in a comment section. Okay, thank you so much for the supporting and encouraging our RQST team. If you want more content like this, genuine and practical from the live projects of different drawings, please like, share, and subscribe our YouTube channel. Okay, thank you so much. Keep always learning.